2008 में जो सर्वे हुई थी पहली, उसके बाद 2024 में ये मुद्दा उठाया, उसने 15 साल गायब हो गए बीच के। वो 15 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ, हमारे मकान बने बाकायदा, उनके रजिस्ट्री पट्टे सब हमारे पास है, ये कोई हम कब्जा करके नहीं बैठे। और फिर रही बाईपास, बाईपास कभी अंदर से नहीं निकलता, बाईपास हमेशा बाहर से निकलता है। और अगर फिर भी मतलब हमने खूब गुहार लगाई है हाथ जोड़ के, अगर ये हमारी सुनवाई नहीं होगी और रेलवे वाले अगर यहाँ पे आते हैं तो हम ईंट से ईंट में जा देंगे, और हम सारे एक हैं। और अगर कोई आएगा तो अगर लाइन बिछती है तो रेल पटरी नहीं बिछेगी, इन सब लोगों की लाश बिछेगी। और पूछो अगर रेल वाले आएगी। जंक्शन के नागरिकों का कहना है कि 15 साल से हम निवास स्थान वहाँ कर रहे हैं, मकान बना कर रहे हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ दी जा चुकी है, और पैसा खर्च करके हमने प्लाट लिए हैं, कोई कब्जा नहीं किया है, फिर भी रेलवे विभाग हमें क्यों उजाड़ना चाहता है। खासकर महिलाओं के अंदर जब कलेक्ट्रेट के आगे धरना लगा हुआ था तो ज़्यादा गुस्सा दिखा, और उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में घरों को नहीं छोड़ेंगे, हम जान दे देंगे लेकिन अपने घर को हम तोड़ने नहीं देंगे। इस प्रकार की बातें वहाँ महिलाएं करती नजर आई, और मीडिया के सामने भी उन्होंने इसी प्रकार के बयान दिए हैं। चलिए आगे आपको सुनाते हैं कि जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसके अंदर क्या लिखा है, और एक महिला की और पीड़ा सुनिए जो कि कलेक्ट्रेट धरने पर बैठी है। सूरतपुरा हनुमानगढ़ श्री गंगानगर अमान परिवर्तन परियोजना हनुमानगढ़ बाईपास निर्माण हेतु आपत्ति के संबंध में लिखित बहस यह है कि चक 3 के आनंद विहार कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ में निकल रहे रेलवे 22 की अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें आपत्ति मांगी गई है। यह है कि उपरोक्त रेलवे बाईपास की अधिसूचना 2018 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। उक्त आदेश में SDM हनुमानगढ़ पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। वह रेलवे आदेश दिया गया था कि वह 2 माह में पुनः सर्वे करवाए, जबकि उक्त आदेश की पालना न तो SDM हनुमानगढ़ द्वारा की गई है न ही रेलवे द्वारा की गई है। रेलवे द्वारा 2024 में पुनः अधिसूचना निकाली गई है जो कि खारिज होने योग्य है। बसे हुए घर में से बीच में सड़ निकलती है लाइन पर, और हम जहाँ तक हमें संघर्ष करेंगे, और सब लोन लिया हुआ सबका, अगर सब गरीब लोग है, सब गरीब लोग है, सबका लोन लिया है, और जहाँ तक पहुँचते हम संघर्ष करेंगे। कितने सालों से रह रहे हो? हम 10 साल से रह रहे हैं। 10 साल से? हाँ, 10 साल से रह ले, प्लाट 15 साल से लिए हुआ है। हाँ, पहले से लिया प्लाट।